मोबाइल निकाल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसमें समीर सैयद। समझ गए होंगे वीडियो का क्या मकसद है, चोरियां कराची में भर्ती हुई। अब साफ बात है, बाहर निकलते हुए मोबाइल लेते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए भाई हम छत पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो भी डालनी है और इंटरटेन भी करना है लोगों को, व्यूज़ भी बढ़ाने हैं। ठीक है, खैर मैं बात ये करूँगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने कराची के हालात की थी, उसमें सीन मैंने किसी और का बताया था, जिसमें चोरी होते हुए दिखाई गाड़ी मैंने। लेकिन अब जो मैं सीन बताने जा रहा हूँ ना, ये मैं मेरे अपना पर्सनल लाइफ का सीन है, यानी कि ये हुआ है परसों ही। परसों सीन ये हुआ कि KBR का रोड, नमक बैंक वाला, आप सब नहीं देखा होगा, तकरीबन लोगों ने देखा होगा वो रोड किस तरीके का है, और 8 बजे के बाद वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है। 8 बजे के बाद सीन ये हुआ कि मैं इत्तेफाक से 10:30-11 हो रहे होंगे, जब मैं अपने दोस्त के साथ आ रहा था, और दोस्त के साथ आ रहा था बाइक पे। एक स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड थी मेरी, क्या 40-45 होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा स्पीड में चला भी नहीं सकता बंदा, क्योंकि रोड बहुत ख़राब हुई है। अचानक से गली से निकलता है एक बंदा, मतलब दो बंदे 125 पर आते हैं फुल, मतलब बूम बूम करते हुए आते हैं, और सिर्फ यूँ करके शर्ट उठा के ना मुझे सिर्फ गंदे खाते हैं। अब मैं समझ गया भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची में इस वक्त ना यही चल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल एकदम से कोई बाइक निकल गया है ना, आप समझ जाओ भैया सलाम होने वाला है, अस्सलाम वालेकुम, सही है ना अभी। तो मैं समझा, मैंने देख लिया उसको, मैं देख कर, मेरे इतफाक़ ऐसा है कि मेरी बाइक थोड़ी सी नई है अभी मैंने ली है कुछ टाइम पहले, और मैंने उसको मॉडिफाई कराया हुआ है, थोड़ा मुनासिब सा मॉडिफाई कराया हुआ है, कि एकदम से वो गियर चेंज करके निकल जाती है। तो वो फ़ायदा मैं उठा सकता था, लेकिन मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मुझे पता था उनके पास गन है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि गली से एक अंकल और आंटी बेचारे निकले, पहला निशाना वो लोग बन गए। अब जितने वो लोग निशाना बन रहे थे ना, मैं निकला तेज़ी से अपनी बाइक लेकर और बस निकल गया मैं घर तक। घर पहुंचा, खैर अल्लाह का शुक्र अदा किया, मोबाइल बच गया, क्योंकि भाई साहब आते हैं मोबाइल ना बड़ी दिल से ख़रीदा था मैंने, और अगर ये चला जाता ना तो भैया दोबारा नहीं मिलना था इतनी जल्दी मोबाइल। खैर तो अच्छा, मैं काफ़ी वीडियोस भी देख रहा था इस वक्त, जुनेद अकरम की वीडियो मैंने देखी, और दो एक और यूट्यूबर हैं जिनकी मैंने वीडियोस देखी थी, उन्होंने भी तकरीबन यही बात की हुई है, चोरी बढ़ रही है, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। तो यार मैं भी ये वीडियो बना रहा था, मैंने बोला यार मैं क्या बनाऊँगा इस पर वीडियो, जब ऑलरेडी बात हो चुकी है इस पर, लेकिन इसके अलावा भी कोई बात नहीं है ना करने को। मतलब बंदा किससे कंप्लेन करेगा जाकर कि भाई ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अब मैं इस वक्त किसी भी पार्टी का जिक्र नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं सबसे बड़ी मैं बताऊँगा वजह क्या है, हम आवाम की बेवकूफ़ी हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग एक होके नहीं खड़े हो रहे ना आज, हम लोग आपस में ही लगे हैं। वजह एक जो मुझे ये समझ आ रही है, ये दूसरा, ये महंगाई है भाई। महंगाई है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम चोरियाँ करना शुरू हो जाओ और ढाके डालो। खैर वो बात बिल्कुल ही अलग है, टॉपिक बिल्कुल ही अलग है वो। बस यही दुआ कर सकते हैं भाई कि कोई है जो देखने वाला, तो वो प्लीज़ खुदा का वास्ता इसको देखो, क्योंकि साफ बात है अब कोई बराबर में एक बंदा सिग्नल पे खड़ा होता है ना, अच्छा बिलीव नहीं करेंगे, सिग्नल पे मैं खड़ा होता हूँ, कोई बराबर में खड़ा होता है ना, सिर्फ देखता है मुझे, मुझे नहीं लगता है कि भाई चोरी होने वाला है कुछ। अब हालात ऐसे हो गए, पहले ये था सीन के हम लोग दोस्तों में बैठे हुए यार, घर के बाहर अक्सर ऐसा होता था लैपटॉप लेके बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम ही नहीं है, अब वो दौर चला गया। मैं बोलूँगा वो दौर कराची में सिर्फ कुछ टाइम के लिए आया था, जो कि दोबारा जा रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि भाई ये टाइम ना जाने दें, क्योंकि कराची ना शहरों का सिटी है, कराची इज़ अ सिटी ऑफ लाइट, कराची की सब मिसालें देते हैं। और मुझे बुरा लगता है जब बाहर वाला कोई बोलता है ना, लाहौर इस्लामाबाद वाला, कि यार कराची में चोरियाँ बहुत हो रही हैं, तो कसम से बुरा लगता है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, हैदराबाद में रहता है, यूनिवर्सिटी का दोस्त है, वो आता है, वो बताता है यार हैदराबाद में ऐसा कोई सीन नहीं है, हम लोग आराम से खुल के ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई मसला कुछ देखने वाला नहीं है। आज ही मैंने उसको जब ये वाली बात बताई ना अपने, तो मुझ पर वो हंसने लगा, बोले यार ऐसा सिटी हो गया कराची। बस यही दुआ करते हैं यार, जो भी चल रहा है अल्लाह में ठीक कर दें इसको, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह में अकेला हुआ तो और किसी से उम्मीद नहीं रख सकते अब, जो कराची को बेहतर कर सके। खैर बात होती है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।